वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस इयर्स की, उनकी नेक्स्ट क्लास की बात कर लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आगामी जितने भी रेलवे एग्जाम है, क्योंकि ये रेलवे जो बैक क्वेश्चन है उनको ज़्यादातर रिपीट और उसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप अगर ये सीरीज अगर पूरी तरह देख लेते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन में सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सांढों को वश करने के लिए जल्लीकट्टू किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू आप लोग जानते होंगे, सांड के लिए मतलब उसको वश करना रहता है और ये तमिलनाडु में आयोजित होता है। वही बात कर लें कम्बाला, तो कम्बाला कर्नाटक में होता है और उसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं G-SAT-16 क्या है। तो G-SAT-16 जो है ये संचार उपग्रह है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विघटन, यानी कि पानी में जो होता है ना H2O, पानी का सूत्र होता है H2O, और इसमें अगर एक टैंक में लेकर इसको अब विद्युत परिवाहित किया जाएगा तो ये H+ आयन और O- में टूट जाता है। तो यही होता है विद्युत विघटन। तो ये हाइड्रोजन हम कैसे अलग करेंगे? तो विद्युत विघटन द्वारा अलग करते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? तो जो भी करेंसी नोट होते हैं उनमें पीछे 15 भाषा में लिखा गया रहता है। आगे की बात कर लें, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो है 1910 ईस्वी में किसके द्वारा बनाई गई थी? जो ऑडियो फोन हेडफोन होता है ना हम लोग जो यूज करते हैं, तो उसका जो है पहली जोड़ी जो है 1910 ईस्वी में बना था और ये नथालियन बाल्डविन ने बनाया था। क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कम्प्यूटिंग जो है यह एक सर्विस है। क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या है? एक सर्विस है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा ये किया गया है और इसका अनुपात पूछे तो 3:2 में होता है। याद रखिएगा, 3:2 में इसका साइज होता है। किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में पहले बार इंडिया में खेला गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 2010 में खेला गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में मेघालय जो है ना 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो चेचक जो होता है चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो बेरीसेल्ला, ये बेरियोल्ला याद रखिएगा, या बेरीसेल्ला वायरस के कारण चेचक होता है। वही बात कर ले, भारतीय रिजर्व बैंक 2005 में पहले नोट को बदलने के लिए अंतिम तिथि घोषित किया था। तो यानी कि 2005 से जो पहले नोट थे उसको बदलने के लिए एक डेट निर्धारित किया था, 30 जून 2016 तक किया गया था। पास की ओर दूर की वस्तुओं, यानी कि पास की ओर दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकलन की विशेषता को क्या कहते हैं? पास और दूर की जो वस्तु देखा जाता है उसे सामंजस्य कहते हैं। ठीक, सामंजस्य का परिभाषा भी पूछ ले तो याद रखिएगा। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम के
सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। यानी कि आप जैसे विंडो या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप कौन सी की ऐसा दबाएंगे जो हेल्प पेज वहाँ आ जाएगा। ये F1 से होता है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में याद रखिएगा क्रम, नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट शिफ्ट की बात कर लें। NTPC स्टेज 1 जो 31/3/2016 शिफ्ट एक फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के जो भी बच्चे होते हैं उसे हैचलिंग कहा जाता है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। और सबसे पहले दार्जिलिंग में ही असम में दार्जिलिंग जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फेमस चाय होता है और वहीं का GI टैग सबसे पहले उसी को मिला था। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह जो है चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। वेब पेज का उपयोग करके बनाते हैं, तो वेब पेज का उपयोग करके हम HTML बनाते हैं। आइए आगे की क्वेश्चन की बात कर लें। तो आगे की क्वेश्चन है, तो कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो ये सबको याद होना चाहिए। तो युवराज सिंह वो खिलाड़ी हैं जो 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है नियामक प्राधिकरण है किसका? बैंकों का। तो RBI बैंकों का बैंक भी RBI को कहा जाता है। और जो इसे बैंक नियामक यानी कि सभी बैंक इनके अंदर काम करते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्य याद रखिएगा उस समय लॉर्ड कर्जन के समय था, इनके आदेश के द्वारा ही किया गया था बंगाल विभाजन। बात कर लें आगे क्वेश्चन, कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल में घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ये ईस्वी 1985 में जो है मानस वन जीव अभयारण्य जो असम में है वह उसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 1985 में। और असम की एक और फेमस है, असम में है एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है, तो उन्हें भी याद रखिएगा। और ये मानस वन्यजीव अभयारण्य है असम में है जो 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया? तो भारत में जो एशियाई खेल है 1982 ईस्वी में पहली बार खेला गया था, याद रखिएगा। आगे की बात कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ऊपर में हमने अभी देखा है कि जो ये है एशियाई राष्ट्रमंडल खेल पूछे तो 2010 और एशियाई 1982, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की बात कर लें, कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो जो सेवा प्रदान कर रहा है तो इंटेल सेट ये क्या है? एक उपग्रह है जो सेवा प्रदान करता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो याद रखिएगा व्यापक वनों का प्रकार पूछेगा, तो सबसे ज्यादा मिलता है भारत में पर्णपाती वन। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, सुंदर वन जो है ना वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, डेल्टा है क्षेत्र है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। आगे बात कर लेते हैं, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी पूछ लेगा कब? 2015 में ये लागू हुआ था और इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूलन
राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, जो भी है पर्यावरण के साथ साथ राजमार्ग का जो विकास होगा उसके पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, जैसे कि पेड़ पौधे लगाया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था 2015 का। देखिए हम लोग जो भी लैपटॉप यूज करते हैं उसमें कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैसा? तो ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। तो ये कैप्चा का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी फॉर्म या कुछ भी करते होंगे आप लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहाँ एक कैप्चा नाम का और वर्ड आता होगा, चाहे वो मिक्स होगा या छोटे लेटर में या बड़े लेटर में होंगे। तो वो होता है क्या, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करती है। तो ये 6ठे क्लास का, ये सारे लगभग 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, आप इसे देखें और एक दो बार देख लें। ये ALP और टेक्नीशियन के लिए और RPF जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लें। इसी तरह मैं और भी पूरा सीरीज चलाऊंगा एग्ज़ाम तक। इसे आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।